हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। इस सेट में मैं टोटल 40 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो चैप्टर 1, 2 और 3 से कवर होंगे। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जितने भी होंगे आपको एग्जाम में बहुत ही सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। यहाँ पे आपसे देखो ऑप्शन में बोल रहा है लेमन जूस, टोमेटो, मिल्क और ऑल। बच्चों यहाँ पर जो लेमन जूस ये भी एसिडिक नेचर में आते हैं, टोमेटो में भी एसिडिक होते हैं पाए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मिल्क में भी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। बच्चों रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने अब देखा होगा कि जब हम बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे देखो विनीगर, लेमन जूस और सॉफ्ट ड्रिंक में आपको एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, बट बेकिंग सोडा आप देखो यहाँ पे आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है। तो इसमें अगर लिटमस पेपर अगर डालोगे रेड लिटमस पेपर तो बच्चों इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके ना, फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब देखो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ पे आपको एसिडिक नेचर वाला सब्सटेंस के विषय में पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ये बेसिक वाला नेचर है, तो यहाँ पे विनीगर जो हो जाएगा एसिडिक नेचर वाला। तो करेक्ट ऑप्शन 3 का ए होगा। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है ना, क्या है बच्चों इसमें मिथाइल ऑरेंज इज पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वही करेक्ट होगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है जबकि बेसिक मीडियम में येलो कलर शो करता है। ठीक है ना, तो 4 का ऑप्शन ए करेक्ट देंगे। यहाँ पे येलो इन एसिडिक और पिंक इन बेसिक इसलिए रॉन्ग करेंगे, सी कलरलेस इन एसिडिक मीडियम ये भी रॉन्ग होगा, पिंक इन एसिडिक मीडियम ये भी रॉन्ग होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो होगा करेक्ट होगा। 5 में देखो लाइम वाटर किससे कहेंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोलोगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलोगे या कैल्शियम क्लोराइड को बोलोगे या कैल्शियम कार्बोनेट को। तो बच्चों लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाना जाता है, तो 5 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेमल इज। बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनेमल इज बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक या न्यूट्रल। तो बच्चों नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है उसका नेचर जो होगा वो बेसिक होता है, तो 6 का ए करेक्ट ऑप्शंस होगा, आंसर्स होंगे। ठीक है ना, 6 का ए। 7 देखो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि बेकिंग सोडा में आपको वाटर का क्रिस्टल नहीं मिलेगा, जबकि देखोगे तो ब्लू विट्रियोल हो, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा हो या जिप्सम हो, इसमें वाटर का आपको फॉर्म मिलेगा। जैसे कि जिप्सम आप देखते हो ना CSO4.2H2 होता है, ब्लू विट्रियोल देखो तो CSO4.5H2 होता है, उस तरह वॉशिंग सोडा में आपको TnH2O का कंसनट्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स मिल वाटर मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं, जबकि बेकिंग सोडा देखोगे तो इसमें कोई भी वाटर हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों वो सी होगा। ठीक है ना, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज 2। तो बच्चों क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर का क्या फंक्शन होता है, तो बच्चे मॉइस्चर्स को जो है ना जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब करता है सोडा लाइम में। तो देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो 8 का ए ही करेक्ट होगा। 9 में देखो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन HCl इज 4 दिया है, दस दिस शोज दैट मॉलिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों मॉलिडिटी जो होता है ठीक है वो कैसे आप डिसाइड करोगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पीएच की जो वैल्यू होती है बच्चों वो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस होता है। ठीक है ना, तो यदि एच प्लस का वैल्यू 10^-4 आए तो उसकी पीएच जो वैल्यू होगी बच्चों वो 4 होता है। तो 10^-4 का वैल्यू देखो कितना होगा, 0.001 m होगा। तो करेक्ट ऑप्शन 9 का सी होगा। ठीक है ना, पीएच आप हायर स्टैंडर्ड में सीखोगे निकालना, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस और फिर लॉग जो होता है 10^-4
माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 4 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस होके लॉग जो है 4 लॉग 10 और 4 लॉग 10 1, तो 4 हो जाता है पीएच। तो याद रखना है, अगर 0.0001 m होगा तो समझना पीएच 4 होगा, अगर 0.001 रहता तो पीएच 3 होता, समझ रहे हो ना। अगर 0.01 होता तो पीएच 2 होता, और 0.1 होता तो पीएच डायरेक्ट 1 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देखते हो क्या, CSO4.5H2 होता है, जबकि जिप्सम में CSO4.2H2 होता है। तो हाफ एच टू और 2H2 में कितना का डिफरेंस होता है, 3/2 का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन 10 का सी करेक्ट होगा। 11 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एसिडिक साल्ट, कौन इसमें एसिडिक साल्ट नहीं फॉर्म करते हैं। बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका कार्बोनिक सॉल्ट, कार्बोनिक एसिड जो हैं, ठीक है ना, ये जो हैं एसिडिक साल्ट फॉर्म नहीं करते हैं। तो 11 का बी जो होगा बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखो द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटास। बच्चों कॉस्टिक पोटास के नाम से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जाना जाता है, तो यहाँ पे 12 का डी करेक्ट ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना, 12 का डी। द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट क्या होगा। बच्चों लेड सल्फेट जो होगा PbSO4 हो जाएगा, क्योंकि लेड का यहाँ पे प्लस 2 वैलेंसी, SO4 का 2 माइनस, दोनों प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 13 का सी। 14 देखो, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये तो हम लोग दिखाते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ऑल द सबस्टांस, ये भी हम लोग दिखाते हैं। नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्शन एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी दिखाते हैं। वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। बच्चों इससे हमें मतलब नहीं होता है कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मायने नहीं रखता है कि वो फिजिबल हो या ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का डी होगा, ठीक है ना। पूछा है ना विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कॉन्वेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए रिएक्शन फिजिबल होगा या नॉन फिजिबल होगा। इसके बाद देखो बच्चों केमिकल फार्मूला पूछ रहा है रस्ट का क्या होता है। तो बच्चों केमिकल फार्मूला रस्ट का जो होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को बोलते हैं, Fe2O3.XH2 आप बोलते हो। तो यहाँ पे देखो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कौन सा दिख रहा है, तो 15 का सी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है ना। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो आप लोग कुरकुरे वगैरह खाते हो, लेस कुरकुरे, उसमें देखो फ्लशिंग किया होता है, नाइट्रोजन या हीलियम गैसेस जो होते हैं उसमें मिले होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों 16 का बी होगा, ठीक है ना। जो भी ऑयल वाले सैंपल्स होते हैं ना, उसको स्टोर करने के लिए लंबे समय तक हम लोग पैकेज में नाइट्रोजन या हीलियम गैसेस को क्या करते हैं, फ्लश करते हैं। तो यहाँ पर 16 का बी करेक्ट ऑप्शंस होंगे। इसके बाद देखो द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2O2 इन द रेशियो। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि H2O को जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करोगे तो H2O2 को किस रेशियो में देगा। तो देखो H2O gives H2+O2, तो जब इसको बैलेंस करोगे तो 2H2O gives 2H2+O2, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 2:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 17 का बी। 18 में देखो, इधर डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट टू गिव लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बच्चे आप इसको बैलेंस करोगे ना, जब डिकम्पोजिशन करोगे लेड नाइट्रेट को PbNO3 का होल टू को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लीड ऑक्साइड मिलेगा, PbO मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। जब आप इसको बैलेंस करोगे बच्चों, तो यहाँ पर ना आप देखोगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आप देखना, बैलेंस करके देखना, 18 का डी करेक्ट होगा, ओके। फिर देखो फैटी फूड्स बिकम्स रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस। बच्चों फैटी फूड्स जो होते हैं रेंसिड हो जाते हैं किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन से, कोरोजन से, रिडक्शन से या हाइड्रोजिनेशन से। बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेक्ट ऑप्शन होगा, पढ़े है ना। फूड जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होते हैं, ख़राब होने लगते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो 19 का ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज़ वाइट सॉलिड, या अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन, या टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, या नन ऑफ द एबव। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा टू अवॉइड द सनलाइट होगा, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करने लगते हैं, इसीलिए हमें इसे डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करके रखना पड़ता है, ओके। तो 20 का सी करेक्ट ऑप्शन होगा।
फिर देखो 21 में सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं ब्लैक हो जाते हैं जब आप उसको कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दीजिएगा, तो इसका कारण होता है कि ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, दैट इज Ag2S बना लेता है। तो यहाँ पे 21 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसी की वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता है। 22 में देखो वेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे क्या बनाएगा बच्चों, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे ड्राई टेस्ट ट्यूब में स्ट्रांगली, तो बच्चों यहाँ पे ब्राउन जो है रेसिड्यू देगा, ठीक है ना, रेसिड्यू देगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 का बी। 23 में आ जाओ, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रैनुलेटेड जिंक टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, फाइंड आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप जिंक ग्रैनुलेटेड जिंक को अगर मिक्स करते हो टेस्ट ट्यूब में, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 23 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, बच्चों क्या होगा, तो लाइम वाटर मिल्की कलर ले लेता है, तो देखो 24 का सी करेक्ट होगा। फिर देखो 25 में, वेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द एस फॉर्म इज, तो जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे एयर में, तो बच्चों एस का जो कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होना चाहिए ना। तो 25 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, बोल रहा है इसमें कौन से रिएक्शंस में हीट एनर्जी इवॉल्व होंगे। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करोगे तो हीट तो देना पड़ता है, NH4Cl का वाटर में डिसोसिएशन करोगे तो भी हीट की जरूरत होगी, बर्निंग ऑफ LPG, हाँ LPG जलेगा तो यहाँ से हीट रिलीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 26 का सी होगा, डिकम्पोजिशन में देखो हीट देना पड़ता है, तो 26 का सी होगा। रेंसिड कैन बी प्रिवेंटेड बाय, बच्चों रेंसिड को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो आप क्या करो, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये तो बिल्कुल सही है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये भी बिल्कुल सही है। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब 27 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। 28 में आ जाओ, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस करोगे, वाटर बना रहा है, तो यहाँ पर H2 प्लस ऑक्सीजन वाटर बना है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्या होगा, सिंपल से देखो ना, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 28 का ए करेक्ट होगा। 29 में आ जाता है, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देर आयन, बच्चों यहाँ पे अगर दो कंपाउंड अपने आयनों का अगर एक्सचेंज करते हैं ना, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। तो देखो 29 का सी करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर देखो 30 में, ऑन एमर्जिंग एन आयरन नेल CuSO4 सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट यू विल ऑब्जर्व, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही हमने आयरन नेल को CuSO4 सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए छोड़ेंगे ना, तो बच्चों उसका कलर देखोगे कि धीरे धीरे चेंज हो जाता है, ठीक है ना, आयरन नेल का तो कलर चेंज होता है, तो ग्रीन बन जाता है, कैसे बन जाता है बच्चों, ग्रीन। तो 30 का डी देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर देखो एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्म द सबस्टांस एक्स एंड वाई, यहाँ पे बोल रहा है एक्स और वाई कौन सा सबस्टांस होगा। तो बच्चों 31 में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक्स की जगह आयरन होगा और वाई की जगह Fe2O3 होगा। तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, 31 का ए करेक्ट होगा। 14 एलिमेंट आफ्टर एक्टिनम, बोल रहा है कि 14 एलिमेंट आफ्टर एक्टिनम के बाद वो कौन सा कहलाता है बच्चों, उसको हम लोग एक्टिनाइट्स बोलते हैं, एक्टिनाइट्स। तो 32 का बी करेक्ट होगा। एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 15 विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल इट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बच्चों यहाँ पे 33 में बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर 15 और वो कौन सा एटॉमिक नंबर जो अपनी सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है। तो 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचोगे तो देखो 285 आ जाएगा, यहाँ पे बेरिलियम का 22 आएगा, नियोन 28 आ जाएगा और 25, देखो ये दोनों का मिल रहा है ना, ये 25 और ये 285, तो देखो लास्ट में इसमें भी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब इस एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स नाइट्रोजन से टैली करेगी। तो 33 का सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 34 में आ जाओ, द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8, बच्चों 8 है और हमसे पूछ रहा है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर किस में भेजोगे, देखो 8 वाला ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन हमें पता है 16 ग्रुप से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 34 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। और देखो 16 ग्रुप, और अच्छा अभी डिसाइड करना होगा बी और या डी,
पीरियड ऑक्सेंट सेकेंड पीरियड में आता है, तो यही हो जाएगा, बी ही करेक्ट होगा, 34 का बी। 35 में देखो, एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड टू एंड ग्रुप सेकेंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ दिस एलिमेंट इज, तो देखो एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप टू, तो टू तो इसका मतलब तो टू ही इसे होगा ना, एलिमेंट कहाँ है, टू होगा, ओके ना, हीलियम हो जाएगा। तो चलो इसके बाद है 35 का ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ, इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग अ स्मॉलेस्ट साइज इज, तो बच्चों थर्ड पीरियड में जो सबसे छोटा साइज वाला एलिमेंट है वो होगा आपका क्लोरीन, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना बच्चों, तो साइज जो है एटम का घट जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और एक्सेप्शन में तुम्हारा आर्गन हो गया, क्योंकि आर्गन जितने भी नाइट गैस उनकी साइज उस पर्टिकुलर पीरियड में सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। आप पढ़ोगे हायर क्लास में इसके विषय में, इनर्ट गैस के साथ क्या होती है, यहाँ पे एक वैन डर वाल फोर्सेस वर्क करता है जिसकी वजह से आर्गन का साइज बड़ा हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 37 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al3+, बच्चों एल्यूमिनियम 13 होता है और 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए इससे, तो आपको 10 ही वाला का कॉन्फ़िगरेशन खींचना है, तो 10 में 2 और 8 हो जाएगा, तो 37 का सी करेक्ट होगा। 38 में आ जाओ, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज़ नॉट ए डोब्राइनर ट्राइड, बच्चों इसमें डोब्राइनर ट्राइड कौन नहीं है, तो बच्चों इसमें सोडियम लिथियम सोडियम पोटासियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप में, हाँ इसी का आपका रॉन्ग ऑर्डर दिया है, आप देखना डोब्राइनर ट्राइड खोजोगे उसमें आपको दिखेगा कि ये सब ट्राइड बनाता है लेकिन ये बेरिलियम मैग्नीशियम क्रोमियम नहीं बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 38 का बी होगा। 39 में आ जाओ, विच इज नॉट टर्न अबाउट द नॉबल गैसेज, दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, नॉट ट्रू, तो नॉन मेटेलिक नेचर में तो होते ही हैं, दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, ये भी सही है, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि जितने भी नॉट गैसेज नॉबल गैसेज हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। जेनोन मोस्ट रिएक्टिव, हाँ सभी में देखो, देखोगे नॉवल गैसेस में भी देखोगे तो जेनोन का बहुत सारा कंपाउंड मिलेगा आगे चल के, आपको सीनियर क्लास में देखोगे जेनोन के बहुत सारे कंपाउंड, तो ये गलत ऑप्शन है बच्चों 39 का सी। 40 में देखो, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना, जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो देखो 7 तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये क्लोरीन 17 होगा नहीं, सिलिकन भी प्लस माइनस दोनों बना सकता है, तो यहाँ पे सोडियम आ जाएगा 11 पे, तो देखो सोडियम बेसिक ऑक्साइड बनाता है ना, तो 11 एटॉमिक नंबर वाला बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो 40 का डी करेक्ट होगा। तो आई होप ये 40 क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर गए होंगे, और आई होप सो कि आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसमें ये सारे क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल जो है, जितने भी मैंने 40 क्वेश्चन आपको बताया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे पूछा जा सके। ओके बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।